हेलो एवरीवन, दिस इज मी साध्या हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लियो के लिए। सो देखते हैं लियो के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। ओके सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक किया करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो और अगर आप पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो या इजी पैसा से कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स चेक कर लो, मैं कौन कौन सी सर्विसेज कितनी प्राइस पे ऑफर कर रही हूँ, ताकि आप अगर रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी सेव रहे और मेरा भी। इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ जो कि इंग्लिश में होती हैं। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर की टेरर चैनल का लिंक ऐड करूंगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लियोस का बाकी का महीना कैसा रहने वाला है। यू स्टार्टिंग ऑफ द वीक विद द थर्ड वीक बेसिकली विद द चैरियट। चीज़ें बहुत फास्ट पेस में मूव होना शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में। अगर आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में चीज़ें रुकी हुई हैं, बैलेंस नहीं है, चीज़ें यू नो जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा, आपका कोई कंट्रोल नहीं है सिचुएशन पे, आपकी लाइफ पे जैसा चीज़ें चल रही हैं आप उनको यू नो आप उससे खुश नहीं थे, अब फाइनली आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में बैलेंस भी वापस आ गया, कंट्रोल भी वापस आ गया, सब कुछ जो है वो स्मूथली होना शुरू हो जाएगा। 15 अगस्त से लेकर आपकी लाइफ में एक यू नो एक एक यू नो स्पीड आपको दिखेगी, आपकी चीज़ें बहुत जल्दी वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो लव लाइफ से हो, चाहे वो काम के मामला से हो, चाहे वो घर के मामला में हो, बहुत ज़्यादा आपको एक यू नो हर चीज़ आपको प्रोग्रेस होते हुए दिखना शुरू हो जाएगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सूट्स, द सन, एट ऑफ कप्स, पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वांड्स। अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो अगर आपकी अगर आपकी लव लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में आपको लग रहा था कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं शायद, या आपको लगता था कि यू नो ये चीज़ें कभी वर्कआउट नहीं करेंगी, रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म है, मैं हमेशा या सिंगल रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, और मुझे इस इंसान से यू नो मतलब मुझे अब बेसिकली मूव ऑन कर लेना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको चीज़ें वर्कआउट होते दिख नहीं रही थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन भी जो है थोड़ा सा उसमें लाइफ जो है वो वापस आना शुरू हो जाएगी, और चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता आपका आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी दोबारा से इस इंसान के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता ये कम्युनिकेशन जो है वो हर वो चीज़ जिस जो जिसको लेके आप परेशान होते थे कि यू नो ये कभी कमिट नहीं करेगा, ये कभी यू नो शादी के बारे में नहीं सोचेगा, या ये कनेक्शन कभी कोई पॉजिटिव कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं बदलेगा, मुझे लगता है कि वो जो भी आपके फियर्स थे इस कनेक्शन को लेके, वो आपको सारा कुछ लगेगा कि वैसे आई थिंक ये सेम एनर्जीज हैं जो मैंने इंग्लिश चैनल के लिए रीडिंग रिकॉर्ड की थी 15 से 21 तारीख तक की, उसमें लियो के लिए आई थिंक मुझे एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं बहुत सारी रीडिंग्स कर रही थी, तो शायद मुझे लग रहा है कि लियो के लिए उस वाली रीडिंग में भी यही एनर्जीज आई थी कि आपको चीज़ें जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, आप यू नो आपको जो चीज़ें लग रहा था कि वर्कआउट नहीं करी, लेकिन अब आपको देखना शुरू हो जाएगा कि चीज़ें आपके ही फेवर में जाना शुरू हो गई हैं। जो भी चीज़ें आपको परेशान करी थी, जो भी चीज़ें आपको लग रहा था कि यू नो मुझे छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो कभी वर्कआउट नहीं करेंगी, चाहे लव के मामला में हो, अगर रिलेशनशिप्स ऐसे थे जो कि आपको लग रहा था कि यू नो मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे मूव ऑन करना चाहिए, आपने मूव ऑन करने का सोचा और वहाँ पर चीज़ें जो है वो ऐसा ऐसा खुद से ठीक होना शुरू हो गई। कुछ लोग ये जो चेंजेस आपको मैं जिनके बारे में बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए चेंजेस 17 अगस्त के बाद आएंगे, कुछ लोगों के लिए उससे पहले 15 से 17 के बीच में हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत मूवमेंट फॉरवर्ड दिखना शुरू हो जाए आपकी लव लाइफ से रिलेटेड और बाकी एरियाज के हिसाब से भी। लेकिन जो सही पिक्चर आपके लिए क्लियर होगी वो होगी आपकी 20 के बाद, 20 अगस्त के बाद आपकी लाइफ में जो चेंजेस आपको मतलब जो आपको अभी फील होंगे शुरू में कि ये शायद मतलब थोड़ा यू नो चीज़ें मूव होना शुरू हो गई हैं, चीज़ें जो स्टैगनेंट थी स्टक थी लव लाइफ को लेकर वो भी मूव होना शुरू हो गई हैं, कम्युनिकेशन अगर रुकी हुई थी तो वो भी स्टार्ट हो गई है, यू नो
और अगर आपके मतलब काम के मामलों में चीज़ें रुकी हुई थी, तो वो भी आपको उसमें भी कोई ना कोई एक मूवमेंट, एक स्टेप फॉरवर्ड दिखेगा कि हाँ फाइनली अब वो जो भी चीज़ें आपको परेशानी होती थी सोच के कि चल क्यों नहीं रहा, वर्कआउट क्यों नहीं कर रहा, कोई लड़का है लड़की है कमिट क्यों नहीं कर रहा, रिलेशनशिप क्यों नहीं ओपनली उसको ऑफिशियल कर रहा या कर रही, तो जो भी इस तरह की आपको परेशानियां थी वो आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन 20 तारीख के बाद आपको सही पिक्चर क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगी, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस दिख रही होगी अपनी लाइफ में, और आप किसी भी चीज़ को लेके अब फर्दर परेशान नहीं होगे। आपकी लाइफ में इस महीने के अंदर मुझे लगता है कि आगे सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस है। हो सकता है कि यही अबंडेंस, यही पॉजिटिव एनर्जी जो है वो कंटिन्यू भी हो अगले महीने के लिए भी, लेकिन एटलीस्ट इस महीने के अंदर आपको तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखना शुरू हो जाएगी, और आप बहुत खुश होगे इन चेंजेस से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गिव अप कर चुके थे। जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं पॉजिटिव वाले आपकी लाइफ में, आप इन सारी चीज़ों को लेके आपने होप जो है वो गिव अप कर दी हुई थी। आपको लगता था कि कभी कुछ नहीं बदलेगा, सब बुरा ही होगा, लेकिन अचानक से सारा कुछ चेंज होना शुरू होगा 15 से 17 के दरम्यान में। लेकिन जो ज़्यादा एक प्रोमिनेंट आपको चेंज फील हो जाएगा और एक क्लियर पिक्चर दिखेगी, वो 20 तारीख के बाद दिखेगी। अंडरनीथ द डेक यू डू हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में बैलेंस वापस आ रहा है। मुझे लग रहा है कि सेम कार्ड आई थिंक लियो के रीडिंग में था, मुझे श्योर नहीं है, बट जो लियो की मैंने इंग्लिश चैनल के लिए रीडिंग की थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ डिवाइन हेल्प है इस टाइम पे। आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। उसके अलावा एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी कि अपने आप को आपने मुझे लगता है कि अपने आप को आपने ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, आपने अपने आप को उस इंसान के हवाले कर दिया है, या उसने आपको अपने अपने आप को आपके हवाले कर दिया। हवाले मीन्स एक सरेंडर कर दिया बेसिकली। मैं कहूँगी कि शायद एक कनेक्शन को लेके आपका पर्सन आपसे दूर था, या एडमिट नहीं कर रहा था, कन्फेस नहीं कर रहा था फीलिंग्स, या इस तरह से कुछ चीज़ें जो वो छुपा रहा था, या किसी भी वजह से अगर वो एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे या जो भी था, फाइनली वो उनके लिए ये एक फीलिंग एक्सप्रेस करना, लव शेयर करना या लव एक्सप्रेस करना, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे उन्होंने सरेंडर कर दिया हो, उनके पास अब कुछ नहीं रहा, जो कि एक तरह से मतलब मुझे लगता है कि जो भी आपका पर्सन है, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है बाय द वे, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी आपका पर्सन है वो बहुत ही गिविंग है इन दैट सेंस। और अब तक वो अगर आपको कुछ नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे उनको पता था कि जब वो देना चाहेंगे या जब वो देंगे, तो वो आपको अपना 100% दे देंगे, सारा कंट्रोल अपनी लाइफ का वो आपको दे देंगे। और वही मुझे लग रहा है कि फाइनली उन्होंने गिव अप किया है टू टू आपसे दूरी बनाए रखने को, और अब वो सरेंडर कर रहे हैं और एम्ब्रेस कर रहे हैं कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं, और हाँ वो आपकी आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, या कमिटमेंट करना चाहते हैं, या ऑफिशियल करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव पिक्चर दिखेगी कि आने वाले वक्तों में आपके साथ ये पॉजिटिव आउटकम आपको दिखेगा इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कंट्रोल होगा, जो फेमिनिन एनर्जी है इस कनेक्शन में, उसके पास इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप का कंट्रोल उसके हाथ में होगा, क्योंकि जो मैस्कुलिन एनर्जी है मुझे लग रहा है कि वो हमेशा से अब तक जो था कंट्रोल उसके एंड पे था। जैसा वो चाह रहे थे वैसा हो रहा था। फेमिनिन वॉज द वन सफरिंग इन दिस कनेक्शन, क्योंकि आप जो मैस्कुलिन एनर्जी थी वो इस कनेक्शन को लेके कभी भी एक्सप्रेसिव नहीं रही, लेकिन नाउ व्हेन इट्स हैपनिंग विद द फुल फोर्स, और आप जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसने सारा कंट्रोल फेमिनिन एनर्जी को दे दिया है इस कनेक्शन को लेकर। सो यप, देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है, आपके लिए क्या आने वाला है बाकी के महीने में। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ कॉलेज टाइम टुगेदर, आप दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी टाइम साथ में स्पेंड करोगे। कुछ लोग हो सकता है कि आप अगर चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, चाहे रिलेशनशिप में हो या नहीं हो,
जैसा मैंने कहा, जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी, जैसे ही पिक्चर आपके लिए क्लियर होगी, आप लोग एक तो शादी प्लान करोगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका फिजिकल कनेक्शन भी हो इस इंसान के साथ, तो आप लोग हो सकता है कि मिलने का प्लान करो और इस तरह से आपके बीच में एक सेक्शुअल रिलेशनशिप भी बने ड्यूरिंग दिस टाइम। उसके अलावा देखते हैं एक और कार्ड, एक्शन। नाउ इज़ अ परफेक्ट टाइम टू एक्ट, टेक इंस्पायर एक्शन टूवर्ड्स योर ड्रीम्स, मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। ये एनर्जी होगी मैस्कुलिन की इस पूरे कनेक्शन में, चाहे वो आप हो या आपका पर्सन है। जो भी है ये एक्शन लेगा जो कि इनको लेना चाहिए, और जो एक्शन है कि एम्ब्रेस द फीलिंग और बी सबमिसिव इन 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 द सेंस, मैं इस सेंस में नहीं कह रही कि आप डिवाइन जो फैमिनिन है उसको सारी पावर दे दो, लेकिन हाँ, अगर आप अपने आप को हमेशा से कंट्रोल रख रहे थे अपने इमोशंस को, वो कंट्रोल आप डेफिनेटली गिव अप कर रहे हो, और वो कंट्रोल आप अपने पर्सन को दे रहे हो, और सारा कुछ दिल की बात सारी शेयर करोगे और कनेक्शन को आगे लेके चलोगे, क्योंकि यही टाइम है जब आपको राइट एक्शन लेना है। सो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको साथ मैच की हो, अगर आपको गाइड किया हो, हेल्प किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।